हेलो फ्रेंड्स, ममाज़ किचन डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मिसेस सीमा अडवाणी, जो कि एक ट्यूशन टीचर है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आज वो हमारे साथ एक नया डिश शेयर करने जा रही है। चलिए सीखते हैं एक नया डिश सीमा अडवाणी के साथ। थैंक यू ममाज़ किचन डायरी फॉर इन्वाइटिंग मी। आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को मैं 3 स्टेप्स में बनाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में हम बड़े प्रिपेयर करेंगे, सेकंड स्टेप में दही बनाएंगे और थर्ड स्टेप में इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर। बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप धुली हुई उड़द की दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया है। अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से धोकर अब मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो आइए डालते हैं। देखिए ये दाल अब डल चुकी है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी ज़्यादा ऐड ना करें वरना ये बैटर पतला हो सकता है। आइए अब इसको मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब उसको मैं एक डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साथ में अपने कुछ मसाले ऐड करूँगी और उनको तलना शुरू करूँगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी और मसाले डालने के बाद इनको लगभग 10 मिनट तक अच्छे से फेटूंगी। तो मैं ये डालती हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और ये खड़ा जीरा 1/2 टीस्पून। ये तीनों ऐड करने के बाद मैं इसको हाथ से फेटना शुरू करूंगी। लगभग 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से फेटेंगे जिससे इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये लाइट और फ्लफी हो जाएगा। देखिए इस दाल को मैं फेट रही हूँ। मैं इसको लगभग 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेटूंगी क्योंकि अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया तो जो एयर इसमें इनकॉर्पोरेट हो रही है वो बाहर निकल जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। साथ ही साथ ममाज़ किचन डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए ये बैटर अब तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1 पिंच ऑफ ईटिंग सोडा मिक्स करूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद मैं हाथों से शेप देते हुए मीडियम फ्लेम पर बड़े तलना स्टार्ट करूँगी। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल कर एक पानी से भरे डिश में ट्रांसफ़र करूंगी। इसको मैं लगभग 1 घंटा पानी में भीगे रहने दूंगी जिससे ये फूलकर सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएंगे। तो चलिए हमारे बड़े तो प्रिपेयर हो गए हैं, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दही प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये 1/2 kg गाढ़ा वाला दही लिया है जिसको मैं मिक्सर में डाल दूँगी। मिक्सी में मैं इसको 10 सेकेंड के लिए फिट चुका है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून काला नमक डालूंगी। टू टीस्पून पाउडर्ड शुगर डालूंगी एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रेफ्रिजरेट करने के लिए 1/2 आवर रख लेंगे। अब मैंने 1/2 कप इमली का पल्प लिया है जिसको मैं एक डिश में ट्रांसफ़र करूंगी और इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी जो इमली की चटनी बनाएंगे। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूं, इसमें मैं भुना जीरा पाउडर डाल रही हूं, दोनों की क्वांटिटी 1 टीस्पून है। इसमें मैं साबुत सौंफ डाल रही हूँ जो 1 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून इसमें काला मिर्च पाउडर रहेगा। 1/2 टीस्पून इसमें काला नमक रहेगा। गुड़ की क्वांटिटी मैंने 1 कप ली है
ध्यान रखें कि जितना पल्प है उसका डबल ऑफ द क्वांटिटी गुड़ रहेगा और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट रहेगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब चटनी गाढ़ी हो जाए और उसमें ग्लेज दिखाई देने लगे तब हम गैस ऑफ कर देंगे। चटनी एकदम तैयार है, देखिए इसमें कितना ग्लेज दिखाई दे रहा है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब मैं एक दही बड़े मसाला प्रिपेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। इस मसाले को ड्राई ही रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और दही बड़े के ऊपर इसको स्प्रिंकल करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके प्लेटिंग की तैयारी करती हूँ। ये मैंने हल्का सा स्क्वीज किया है, एक प्लेट में डाला है, इसके ऊपर मैं दही पोर करूँगी। दही से अच्छी तरह उसकी कोटिंग कर दीजिए। अच्छी तरह कोट हो गया है, अब इसके ऊपर हम इमली की चटनी डालेंगे। आप इमली की चटनी की थिकनेस देख रहे हैं, इतना ही थिक रखिए। अब मैंने जो एक दही बड़े मसाला प्रिपेयर किया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब बारीक कटी हुई मिर्च और धनिया के साथ इसको गार्निश करूंगी। देखिए ये दही बड़े देखने में ही कितने टेम्पटिंग नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी। आप भी इसको अपने घर पर ट्राई करिए, लोगों को खिलाइए और इन्जॉय करिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप भी खाइए, खिलवाइए और मज़ा लीजिए।